आवाज ऐसी आवाज मार के आए हैं कि इन भीड़ा भीड़ दिखाई दी है। चलो तुम गल्ला बांटो चले गए। और सुनो दूंगा जावाज ध्यान रखियो 6 यूनिट पे 5 किलो गल्ला कम जानो चाहिए। कम ही जाए 5 किलो। हाँ 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 कोटा डीलर 5 किलो सारो कम ही जाए चाहो नहीं उठावे थे हमारी। हाँ हाँ उठावे थे हमारी होने तो बेफिक्र रहो। हाँ देखो आज गल्ला पूरा ले ले बोली चली गया लेकिन अरे मार दिए हैं। गेट खोलो गेट खोलो ये को लो तो चला हम दो जल्दी है आना गल्ला मिले प्रसिद्ध कटवालो को मैं कोटा डीले से पूछ ले वो कोटा डीले है कहां कोटा डीले मेरा बैठे मैं कटा वाले पर्ची ताकि बात गल्ला में ले जा समझ में आई काटा बन जल्दी काटा राशन कार्ड दो पहले पर्ची वैसे काट दे घर में जो तो राशन काट लो जल्दी ला पर राशन काट लो जल्दी ना तुम नंबर यो लगा अहे लगाओ सही से बस रुके रहियो। अरे यार दूसरे लगाओ जब पहुंचा मुरिया पहले साफ करके लगाओ। और यार नारी की का वैसे लगाओ। अरे सही से लगाओ मशीन तो रे हो का जाओ ना। अरे अब तुम घर से और काम पठाओ जाए ऐसो करो अपनी पहले बहू को लगा के लाओ जाए तब पर्ची कटे। क्या लगे है तो जू लगे है और हाथों ना लगो तो पागो लगे है। अरे पाट इन्हें की पर्ची कैसा तुम पाओ लगा रहे हो इनकी कैसा पर्ची काटे हम ऐसी पर्ची कैसा कटे हैं बताओ भैया तुम। अब ऐसे काम ना चले अब अपनी मेरी बैग ले गए मालूम तू टनिया कुत्ते और छनट्टा है अंगूठा फंगूठा तुम कब तो सब बहानो तो आई बहू देखनो जा तो ओ माय गॉड तो जाके साहब तुम पर्ची कटे हो ना जाओ नाक में ले तुम्हें गल्ला तुमने भाई पर्ची ना काटी अब देखो तुम्हारा जो कोटा डील बंद कराया दी चलो आओ भैया जी सारे टनिया को कोटा बंद कराए रहे हैं कराने है बंद। हाँ हाँ गए तो बड़ी हम तो लौट कैसे आए लाओ पर्ची राशन कार्ड दो मनु लाओ लाओ तुम मुझे जमा करो लाओ चलो लाओ पहले लाओ तुम अपना अंगूठा लगाओ रुको पहले चलो हटाबो रुको आबो पर्ची तान दो पहले वेले ले 3 मिनट टाइम के काटो चलो आओ तुम आओ चलो लगाओ चलो हटाओ इनके 4 मिनट काटो उनकी चलो लो हटो चलो नाड़े मत दो जल्दी जल्दी काट बाद में नहीं चलो चलो हटाओ चलो हटाओ चलो लो इनके 5 आएंगे चलो चलो अरे आराम अल्लाह काट दे अल्लाह तेरे पर जी काट दे बहुत परेशान है चल ठाणो तू यार ले अंगूठा लगा अरे सही से लगाओ यार चलो हटाओ हटाओ तुम हटाओ ले 2 मिनट है जाके अंत तो वाल हो जाको। अच्छा अच्छा 6 किलो में ले रहे ठीक 6 किलो कम हुई हो यार लला हम क्या करें आप बता सरकारी नई योजना ने कत्ते ही तो हम गांव में का कष्ट कतमाओ गल्ला माटे में काम है और जिम्मेदारी हम ना ले घूम मत वाली मावी हर महीना 1-2 किलो कम हुए हैं तुम्हारी अच्छी योजना निकलते हर महीना यार। आई मिलियो लगा गल्ला मिलियो दे दो सगा गल्ला मैं पत्रकार देसी मुजरिमों को कर दूं ऐसी तैसी। मुझे सुनने को मिला है ग्राम हृदयपुर से उनका कोटा डीलर कर रहा है फ्रॉड लोगों को दे रहा है 5-10 किलो और 11 यूनिट पर राशन कम। वैसे भी 5-10 किलो यूनिट पर मिलता है लेकिन वो फिर भी बहुत कम दे रहा है राशन। इसकी हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे इसकी तह तक जाएंगे। हमारे साथ हमें बुलाया है अभी ने तो हम अभी से आपको बात कराते हैं। आइए अभी यहाँ आइए आइए यहाँ बताइए आपके साथ कोटेदार ने क्या किया। अरे यार कोटेदार ने पर्ची ना काटी हो मेरी और अंगूठा कई दबाने कई अपनी मेरिया बुलाएगा ये अपराध है ये क्षमा है इसकी क्षमा मांगनी होगी कोटेदार को। हम इसकी तह तक जाएंगे चलिए ले चलते हैं आपको सीधे ग्राम हृदयपुर में। भैया
उससे माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, उसका कोटा बंद कराना पड़ेगा। आप कहेंगे तो हम कोटा बंद करा देंगे। चलिए आप हमारे साथ आइए। तो भाई साहब क्या आपको पूरा गल्ला मिला है आपका? या पूरा गल्ला कौन है? बोलो 6 किलो खा लो था। आपका कितना मारा गया गल्ला? मेरे भैया 5 किलो, मैं तो 4 किलो दो। हम इस कोटेदार को हटाएं, आप हमारी पक्ष में हैं? यस सर। हम नया कोटेदार लाएंगे आपके लिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके पक्ष में हैं। चलिए मिलके आते हैं कोटेदार से। मीडिया कौन बुलाएगा? अरे तुमने भाई मेरी आज्ञा कह दी थी, पर मीडिया बुलाएगा तब ही ले आएगा। अरे भाई देसी मुजरिमों की कर दूंगा ऐसी तैसी। सुना है तुम देते हो कोटा कम सबको, तुम्हें जवाब देना होगा कोटा डीलर को, इस चीज का जवाब देना होगा आज पूरी देश को, आपको जवाब देना होगा, जवाब दो। अरे ये आओ, ऐसा करो दो बोरी तुम्हारे घर पहुंचेंगे, तुम बेफिक्र रहो। हर बार कोटेदार ही क्यों जिम्मेदार होगा, हर बार कोटेदार ही की जवाब देगा, जिस पब्लिक को भी जवाब देना होगा। क्या तुम्हें राशन मिलता नहीं है क्या? नहीं मिलता है। मिलता कैसे नहीं है? तो इंसान 40 साल से कोटा चला रहा है, वो कैसे गलत हो सकता है? वो तुम्हारे 6 किलो राशन से कैसे उसका घर बन सकता है? वो ईमानदार है, तुम गलत हो पब्लिक। ओ बिचियो, मेरी बिची कुछ ना कुछ तो कमीशन नहीं हो। चलो भाई भैया 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 कहाँ है? मंदिर में परे भैया। अरे दो बोरी में मीडिया भैया। कैसे दो बोरी? लाहनी के दो बोरी दे दे भाई। कोटा डीलर? हम कोटा डीलर चंडीगढ़। अरे हमें मालूम, हमने तुम पर पार साल कही थी कि भाई वोट मत दो दूसरे को, खड़ो करो इलेक्शन। तो तुमने बात मानी ना, तुमने पूरे गन्ने भाई वोट दो और भाई जीती हो। अब देखो सबको किलो दो किलो खा दो। अरे बहुत बात तुम्हारी सही, बहुत खराब है। अब तुम ऐसा करो, हम बता रहे तुम्हें ज्ञानी बात, खाओ को भले आदमी को ठाड़ो करो। भले आदमी की तुम ठाड़े हो जाओ। अरे हम ना ठाड़े हुई हैं, कहा और कहो ठाड़ो कर लो। अरे तुम ठाड़े हो जाओ, जिम्मेदारी हमारी। चलो हम ठाड़े हुए। मैं पत्रकार देसी मुजरिमों की कर दूंगा ऐसी तैसी। बहुत बड़ी खबर आ रही है ग्राम हृदयपुर से, कोटा के चक्कर में होंगे ग्राम हृदयपुर में चुनाव। तो आइए हमारे साथ, चुनाव के रिजल्ट हम आपको साथ ही साथ दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारा कोटा डीलर कैसा हो? ये हैं वर्तमान कोटा डीलर टन्नी राम, इनका चुनाव चिन्ह है जूता। हमारा कोटा डीलर कैसा हो? टन्नी राम। हमारा कोटा डीलर कैसा हो? टन्नी राम। हमारा कोटा डीलर कैसा हो? टन्नी राम। हमारा कोटा डीलर कैसा हो? हमारा कोटा डीलर कैसा हो? टन्नी राम। मुखिया जी। ये हैं मुखिया, इनका बस नाम मुखिया है, इनका चुनाव चिन्ह है चप्पल। भैया वोट हमारी दियो। तुम्हें दिया न पोरो, अपने टिन्नी भैया को दिए। हमारा कोटा डीलर कैसा हो? भैया भैया कैसा हो? कोटा डीलर कैसा हो? भैया भैया कैसा हो? कोटा डीलर कैसा हो? भैया वोट हमें मिल गयो, हम दियो वोट। भैया हाँ पंजाब देवे तो कोली बात दियो। हमारा कोटा डीलर कैसा हो? टिन्नी भैया कैसा हो? हमारा कोटा डीलर कैसा हो? टिन्नी भैया कैसा हो? भैया वोट हमें दियो, तुम अब गल्ला पूरा दो करे हो। गल्ला 2 किलो बल्टी मिलेगा तुम्हें, क्यों चिंता लेते? ब्याह और कराए दियो। ब्याह आए तो जुगाड़ी चलो, तुम ब्याह पक्को बहुत सुधा वोट तुम। ठीक ठीक ठीक। मुखिया कैसा हो? कोटा डीलर कैसा हो? मुखिया कैसा हो? वोट हमें दियो भैया। गल्ला पूरा मिले, गल्ला पूरा मिले। वो 40 साल तक चला तो जो नौ लड़का हो जो ज्यादा दिए गल्ला, जब भरोसा करके देखा हो एकदम भरोसा हो जाओ।
अरे भूत गिनन बाद पता चले गल्ला कटवा दिए गल्ला वा को जूता चलो 100 बटन से आगे भाई जूता 100 बटन से आगे चल रहा है चप्पल चल रही 5 बटन से आगे चप्पल चल रही 5 एयरपोर्ट से आगे भैया चल रही है जो कि हमारे पहले उबा है और ये कोटेदार पहली बार करने जा रहे हैं ये भी अच्छा पछाड़ रहे हैं चिल्ली भैया को जूता चल रहे 1000 बोर्ड से आगे भाई जूता 1000 बोर्ड से आगे चल रहा है 6000 वोट से जूता जीत हो चुकी भाई 6000 वोट से जूता की जीत हो चुकी है जो की 40 साल से कोटेदार रह चुके हैं एक बार फिर हमारे चिल्ली भैया कोटेदार के हकदार बन चुके हैं आसान तो मैन तन्नी भैया जा हर के बाद में देख लिए बाद में देख हाँ बाद में देखे यार अपनो लालच बुरी बला है कोटेदार जितना राशन दे हमें उतना ले लेना चाहिए हम अगर ज़्यादा लालच करेंगे तो उतने से भी हाथ धो बैठेंगे जितना कोटेदार देता है यह वीडियो हमें बहुत कुछ सिखाता है।